तुम पकड़ ले इसकी नीचे। बेटा पानी डाल, अबे मैं बना रहा हूँ, मैं ले ले बना ले, फिर सेंड कर बनाई। तू नहीं क्यों भाई ने? हाँ तो बस जी जान के साथ आपके साथ हाजिर है। आज ईद का तीसरा दिन है, टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है, तो मूवी बनाने का हमें ख्याल आया कि हमने कहा यार हमने ईद के दिनों में कोई मूवी डाली नहीं है ईद उजा की, उसमें तो हम इज्तमाही कुर्बानी का आज अलहमदिल्ला हमने फरीदा अंजाम दिया, जिसमें हमारे साथ सलमान भाई थे, इमरान भाई के छोटे भाई, उसके अलावा तारिक भाई जो इस वक्त शूट कर रहे हैं कैमरे मतलब मूवी को, तो उन थोड़ी देर बाद हम उनको कैप्चर करते हैं सीन में। और ये हमारे असद भाई हैं, ये मोइन भाई के बड़े भाई हैं, अक्सर रात को हम जब शूटिंग करते हैं एरम यू में तो ये हमारे साथ होते हैं। एरम यू आपको पता है मेरी जो है वो अबाई जगह है, यहाँ 30 साल मैंने गुजारे, आजकल मैं एरम गार्डन में हूँ 2 साल से, लेकिन हमने कहा कि हम इज्तिमात मतलब मोहब्बत और अकूबत के तहत जो है वो इज्तिमाही कुर्बानी जो है यहाँ सर अंजाम। आपको पता है टेक्निकल सपोर्ट आपको दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट तो सही है। ये हमारे मामू हैं, ये हमारे मोहल्ले के सामने इरम गार्डन में इनकी शॉप है। आज जो है उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं गोश्त कुर्बानी की। इम्तियाज़ भाई और दूसरे भाई आपका नाम वकील भाई, ये वकील नाम से हैं, ये कानूनी तौर पे वकील नहीं है, मैं बता दूं आपको, कल को आप समझे ये वकील हैं और ये कानूनी तौर पे नहीं है, नाम के वकील। भाई भाई की दुकान का एड्रेस बताओ। भाई की दुकान का एड्रेस जो है इरम गार्डन में कॉर्नर पे दुकान है इनकी, कोई भी आपको इनकी खिदमात अंजाम देनी हो आप बिल्कुल बिला खौफ व खतर आप अंजाम दें, और माशाल्लाह परफेक्ट जो है इनका काम है, प्रोफेशनल आप ये समझिएगा, ये इस वक्त जो है बुचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इसके बाद तारिक भाई को कैप्चर करता हूँ, क्योंकि तारिक भाई जो है वो मूवी बना रहे हैं काफ़ी देर से, और चाय का भी इंतज़ाम है यहाँ, ये देखें ये तारिक भाई आ गए, वालेकुम रहमतुल्लाह। ये खान साहब को भी मैं ले रहा हूँ, ये चाय लेके आए थे, चाय खान साहब केतली पकड़ो, खान साहब इतने वजीर आजम कहता है केतली पकड़ो, तो ये चाय का केतली पकड़ो, ये लो खुडेर दे शरबत दे। असद भाई ये आप कोई अल्फाज कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया। हाँ। अल्लाह ये मोहब्बतें और इरम यू कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ये मोहब्बतें और मजीद से कायम रखे, बिल्कुल कायम रखे, कायम रखे, बिल्कुल कायम रखे, क्योंकि यही मोहब्बत है जो आगे कायम आती है, इसके अलावा कुछ भी आपके दम से है, जी जान के साथ, जी जान के साथ फरीद भाई, जी जान के साथ है भाई हम लोग, तो क्योंकि जी जान है तो हम साथ हैं एक दूसरे के, क्योंकि जब तक जी में जान है तो हम एक दूसरे के साथ हैं। कुर्बानी में एक जान पैदा करती है, वरना तो हम बड़े परेशान थे, जैसा हो गया भी यूज फेसबुक, तो आपने इसको भी लगा दिया, जजाक अल्लाह भाई। तारिक भाई आप क्या कहते हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब ये साथ भाई ने कहा बिल्कुल परफेक्ट कहा फरीद भाई, और अल्लाह की मेहरबानी हम सब लोग यहाँ पर एक खुलूस है, एक मोहब्बत से जी, और इसीलिए हम सब लोग साथ बिल्कुल बिल्कुल। सलमान बेटा आप कुछ कहेंगे मेरे भाई? आप लोगों ने बोल लिया और बहुत है, जजाक अल्लाह, खुश रहो। बाकी ये देखें आप कुर्बानी का फरीदा अंजाम दे रहा है, ये दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर शऊर ये पैदा हो कि भाईचारे की कभी भी ना अपने से दूर ना करें, अकूवत भाईचारे की, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1947 में कह दिया था। ये लें एक दफ़ा तारिक भाई फिर कैप्चर कर रहे हैं, तारिक भाई आप ये लें इसको कैप्चर करें, मैं फाइनलाइज करूं इसको। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबको तौफीक दी, परवरदिगार ने इस खिदमत इस जज्बे को सुन्नत इब्राहिमी को सर अंजाम देने की, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इस वक्त गोश्त की क्वालिटी माशाल्लाह कितनी अच्छी बना रहे हैं इम्तियाज़ भाई, इस वक्त हम दोबारा इनको कैप्चर कर रहे हैं इम्तियाज़ भाई की, आप ये देखें गोश्त की परफेक्शन और क्वालिटी देखें आप, बर्फ़ी बोटी, बर्फ़ी बोटी, बिल्कुल बर्फ़ी बोटी, और अभी ये हड्डियाँ रहती हैं बनाने को, सिरी रहती है, पाए रहते हैं, और ये दोबारा मैं कुछ नए लोग आए हैं, ये भाईचारे की, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था अख़ुवत की मिसाल ये होती है, ये साथ भाई आए हैं दोबारा, नमाशाला नमाज पढ़ के इवेंट है जिसमें हम सब एंजॉय करते हैं, इरम व्यू के अंदर, इरम व्यू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, बिल्कुल होने, ये आखिरी लम्हात हैं ईद के,
और ये जितना जल्दी आप कैप्चर से कर लें इसको, बिल्कुल कैप्चर करके ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अभी वो आम जिंदगी की रूटीन शुरू हो जाएगी, रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी, वही कैप्चर करके इंशाल्लाह ताला जल्दी ये एडिटिंग होगी ना, ये वायरल भी हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। ये सलमान भाई हैं, इन छोटे बच्चों ने, और ये माशाल्लाह ये नए जो है ना न्यू कमर्स हैं, ये समी भाई, आप ये समी भाई की जो है ना सपूत हैं ये ये दो बेटियां माशाल्लाह समी भाई की हैं, और ये जो है ये अहमद भाई की हैं, और ये जो है ये बच्चे माशाल्लाह, ये समी भाई की बेटी है, ये हमारे अख्तर भाई हैं अब्दुल, ये हैदराबाद से आए हैं, ये आउटिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन इनको भी आम घेर के लिए आए हैं, और ये उनके साहबजादे हैं शादेब अली, ठीक है, ये शादेब अली हैं, ये अख्तर भाई दोनों माशाल्लाह हैदराबाद से आए, ये भी आज की इस यूट्यूब की वीडियो के अंदर आएंगे। और समी भाई जो है, दोबारा आप समी भाई को देखें, समी भाई जो है वो भाई जो है ये अक्सर जो है हमारे इरमयू की जान पहचान है, और लोग इनसे बहुत जो है ना घबराते हैं ना, मैंने सुना ही है ये भाई, बाकी अल्लाह पे पर क्या करके नहीं पत्थर उठा के डरा रही और ये हमारे जी जान के रूह रवा इब्राहिम साहब, इस्माइल साहब सॉरी, ये जी जान चैनल बनाने वाले जो हैं ये हैं इस्माइल साहब। इस्माइल साहब आपको राय देंगे ये जी जान के बारे में, आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कामयाबी मिले, बहुत जल्द कामयाबी मिले, आपकी दुआएं, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और आपकी और हमारी मुरादों को पूरा करे, आमीन। इसके बाद भाई मैं दोबारा एक दफ़ा अपने आप को कैप्चर कर रहा हूँ फरीद सिद्दीकी की आपके साथ, जी जान के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी जान के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी इख्तिताम को पहुँच गई है, इस वक्त जो है वो आप देखें गोश्त को, आपके देखें कि गोश्त जो है वो बताया था कि आपको इज्तिमाई कुर्बानी है, तो गोश्त की तकसीम का हमारे इस वक्त जारी है, और आपको पता है मैंने पहले भी यही कहा था कि भाईचारगी, मोहब्बत, अकूवत, इज्तिमाईत को फ़रोग दें हमेशा, क्योंकि इस दफ़ा ईद आपको पता है किस माहौल में आई है, कोरोना के माहौल में आई है, लेकिन इसके बावजूद भी बेइंतहा अल्लाह पाक ने लोगों को तौफीक दी और बहुत अच्छी कुर्बानी इस शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर, बल्कि कराची शहर क्या इस पूरे पाकिस्तान में और मुमलिकत में वर्ल्ड इस्लाम में हुई है, और इस वक्त गोश्त की तकसीम का अमल जारी है, गोश्त फाइनलाइज हो चुका है, और ये हमारे भाई जो है ये, और इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो में नज़र आएगी, इसके सलाह इसके अलावा जी जान के साथ हाजिर है आपका भाई, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।